शांति सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सच्श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। धीरे धीरे दिवाली नज़दीक आ रही है, सब सेलिब्रेशन के मूड में हैं, फेस्टिविटी का माहौल है, सब आनंद में हैं, खुशी में हैं, बहुत अच्छी बात है। हर एक के जीवन में ऐसे ही दिवाली हो, होली का नृत्य हो, परमात्मा के रंग में रंग जाए, आत्मा का ज्योत जल जाए, परमात्मा से संबंध जुड़ जाए, सदा दिवाली साध की आठों पहर आनंद, तो हमारी भी दिवाली हर पल हो जाए। क्योंकि जो सज्जन पुरुष हैं उनकी तो हमेशा ही दिवाली है, परमात्मा के साथ हमेशा ही अपनी ज्योत को जगाते रहते हैं। अभी हम मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन पावर, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे और आज ये टॉपिक पूरा करेंगे और थोड़ा सा ईश्वरीय ज्ञान की बिंदु मुरली का मंथन हम प्रस्तुत करेंगे। तो भी हम सब परमपिता परमात्मा की याद में बैठते हैं, अपना ध्यान भ्रिकुटी में केंद्रित करें, अपनी अटेंडेंस लगाएं, मैं आत्मा भ्रिकुटी में उपस्थित हूँ, आई एम प्रेजेंट इन भ्रिकुटी। मैं अति सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्म अणु अणियान महतो महियान अति सूक्ष्म आत्मा ज्योतिर्मय मेरे मस्तक अखंड ज्योत जल रही है। मन की आंखों से मस्तक में जलती हुई ज्योत को देखें, शांत स्वरूप आत्मा हूं, श्वासों को देखिए, धीरे धीरे श्वास चल रहे हैं, श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं। ये बिल्डिंग, शरीर की बिल्डिंग श्वास पे ही खड़ी है, एक श्वास ना आए, तो मृत्यु हो जाती। एक श्वास की बहुत कीमत है। इनहेल एक्सहेल
जब श्वास भीतर ले तो ओम साथ चले मन में, जब श्वास छोड़े तो शांति। श्वास भीतर ले श्वास के साथ ओम शांति का अभ्यास करें और उसको साक्षी होकर देखें श्वासों को। मन ठहर जाएगा, ग्यारह बार ऐसे करें। श्वास के साथ ओम शांति चले। ध्यान मेरी कुटी में, आत्मा अपनी कुटिया में बैठी है। मस्तिष्क के द्वारा सारे शरीर का नियंत्रण कर रही है। शांत स्वरूप आत्मा, आई एम ए पीसफुल सोल। शरीर में भी कोई हलचल ना हो, मन में भी कोई हलचल ना हो, मन भी शांत, तन भी शांत। कोई संकल्प विकल्प नहीं, सिर्फ आत्म स्मृति, आत्म स्वरूप के संकल्प, परमात्म स्वरूप के संकल्प, दूसरा कोई संकल्प नहीं। फोकस्ड संकल्प, एकाग्र चित्त, एकाग्र मन, स्वयं पे एकाग्र हो पहले, फिर प्रभु पिता पर एकाग्र हो। पहले भ्रिकुटी में एकाग्र हो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम ज्ञान के सूर्य, ऐसे समझो हम सागर के किनारे बैठे हैं। अमृत सुबह के समय सूर्य उदय हो रहा है, ऐसे जैसे सागर से उदय हो रहा है, ऐसे ही परमात्मा जैसे सुबह का सूर्य बहुत अच्छा लगता है, उसकी किरणें बहुत पावरफुल होती है, ऐसे ही परमात्मा रूपी सूर्य की किरणें हम सब आत्माओं को शांत कर रही, शक्तिशाली बना रही, आनंद संपन्न कर रही है, प्रेम से भर रही, आनंद रस से भर रही, शांत मन चित्त शांत, कोई हलचल नहीं कहीं, कोई तनाव नहीं,
नो टेंशन, नो वरी, नो स्ट्रेस, नो फियर, नो एंजाइटी, ऐसी स्थिति का अनुभव करो। नो कॉम्प्लेक्स, ना ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ना ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, टोटली कॉम्प्लेक्स फ्री पर्सनैलिटी। हमें कॉम्प्लेक्स फ्री पर्सनैलिटी बनना है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अपने मौलिक स्वरूप में मुझे स्थित होना है। परमात्मा है, जो है, जैसा है, उसे उसके यथार्थ स्वरूप में जानना है। परमात्मा शांति का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, पवित्रता का सागर है, सर्वशक्तिमान, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञाता है, दुख हरता, सुख हरता है, सुख का सागर है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी रचता है, हर चीज में सागर है, वो अनलिमिटेड बेहद का पिता है। हद के पिता तो सबके अलग अलग है, बेहद का पिता सबका एक है। एक पिता एकस के हम बारक, हम एक पिता है उसी के सब बारक। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे, उस एक नूर से ही सारा जग उपजा। चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, लेकिन मैं तो अच्छी आत्मा हूं, परमात्मा बहुत अच्छे हैं, हमें भी बहुत अच्छा बनना, सबको सुख देना है, सबको ज्ञान देना है, सबकी बुद्धि पवित्र करना है, सबको योग सिखाना है, इस संसार को नया संसार बनाना, सुख में संसार बनाना। मेरा मन ठहर गया है, मेरा मन अमन हो गया, मेरा मन शक्तिशाली हो गया। मेरे मन में बहुत सुकून है, बहुत शांति, शांति के सागर ने हमें शांति प्रदान की, ज्ञान और योग की शिक्षा, हमें श्रेष्ठ गुणों को भी धारण कर, दिव्य गुणों को धारण कर। अभी मैं यश जी को निवेदन करता हूँ कि आए और हमें एक बहुत सुंदर सा भजन सुनाए। ओम शांति। इतनी शक्ति हमें देव न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी
हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले कि वो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहाके, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलें नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो, और हम सदा ज्ञान के मार्ग पर ही चलें, अज्ञान के मार्ग पर न चलें, लोगों को आत्माओं को रोशनी बांटें, ज्ञान की रोशनी दें, हम रोशनी के व्यापारी हों, सबको रोशनी का व्यापार करें, अज्ञान हर लें, अंधकार हर लें, तिमिर हर लें, और रोशनी दे, सबके जीवन में आनंद की वर्षा करें। और हम ये न सोचें कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचें कि जो मेरे पास है हमने कितना अर्पण किया समाज के लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वरीय कार्यों के लिए। अगर हर इंसान अपना योगदान इस संसार के इम्प्रूवमेंट में देने लगे तो ये संसार बहुत सुंदर हो सकता है। तो सबको योगदान देना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। जो धन से सहयोग नहीं दे सकता वो तन से सहयोग दे सकता है, तन से नहीं तो मन से दे सकता है। बाबा कहते हैं मन का सहयोग भी बहुत बड़ा है। अगर आप किसी के काम में सहयोगी बनते हैं, सहयोग की भावना है आपकी, शुभ भावना शुभ कामना है, सबको आगे बढ़ाने की कामना है, तो ये भी कोई छोटा काम नहीं है। तो हमें जो है सबको सहयोग देना चाहिए, इसी भावना से हमें काम करना है। अभी हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि जो भी हम, क्योंकि ये जो एकाग्रता का विषय है ये भी एक बड़ी भारी तपस्या है। जब मैं छोटा होता था तो मैं पूर्णिमा की रात को या जब चंद्रमा पूर्ण होने वाला होता है तो उस दिन काफी कई घंटे तक चंद्रमा पर भी मन को एकाग्र किया करता था। खास करके ये जो चंद्रमा आता है
जो अपना विंटर सीजन का भी जो आया था शरद पूर्णिमा का, जिस पे खीर भी बनाते हैं आजकल, दो दिन पहले से लोग कर रहे हैं पूर्णिमा पे, तो इस दिन बताते थे कि अगर हम इस दिन परमात्मा चंद्रमा पर एकाग्र करें तो मन शीतल होता है, मन की फर्टिलिटी बढ़ती है, फर्टाइल थॉट्स आती हैं, आपका मन फर्टाइल होता है। तो इस तरह से, और दीपक के ऊपर भी हमने बहुत, तब ज्ञान में भी नहीं थे तब भी दीपक के ऊपर त्राटक ध्यान करते थे लगातार, बिना पलक झपकते रहते, बिना पलक झपके उसको दीपक को देखते थे। और अंतिम सिद्धि ये होती है, कहते हैं कि आप संकल्प करें और दीपक बुझ जाए। तो एक बार ऐसा हुआ था, संकल्प किया कि दीपक बुझ जाए तो वो बुझ गया। तो ये मन की शक्ति है, जब हम मन को एकाग्र करते हैं तो बहुत शक्ति आ जाती है। और ये मन, ये शक्ति तभी आती है क्योंकि वैसे तो मन बुद्धि का द्वंद्व है, मन और बुद्धि के फंक्शनिंग में एकतानता नहीं होती, एक साथ काम नहीं करते, कई बार यूनिसन में काम नहीं करते हैं। मन की भावनाएं किधर और चलती हैं, बुद्धि विवेक कुछ और कहता है, लेकिन मन की भावना और बुद्धि का जब संतुलन हो जाए विवेक का, तो कई बार क्या होता है कि उसमें समन्वय आ जाता है, दोनों एक होके काम करते हैं। सतयुग में भी मन बुद्धि एक तान में काम करते हैं, मन एकाग्र हो जाता है। और जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मन बुद्धि जब साथ होते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो उतनी हमारी एकाग्रता उस विषय में बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए मन को एकाग्र रखने के लिए? अनुकूल वातावरण हमें पैदा करना है, खास करके विद्यार्थियों को तो विशेष यही ध्यान रखना होता है कि अगर वो एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा वातावरण हो जो सुखमय हो, आरामदायक हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, चारों तरफ कोई आवाज ना हो, कोई शोर ना हो, और उस वक्त जो हम काम कर रहे हैं उसी पे फोकस्ड हो, उस वक्त हमारे दिमाग में मीनिंगलेस थॉट्स ना आए, व्यर्थ की थॉट्स ना आए। नहीं तो क्या होगा, जो हमारी मन की ऊर्जा है वो व्यर्थ चली जाएगी, वेस्ट चली जाएगी, और जितनी वेस्टेज होती उतना मन एकाग्र नहीं होता, धीरे धीरे कमजोर हो जाता। जितना कमजोर मन होता है उसमें उतने व्यर्थ के थॉट्स ज्यादा चलते हैं, नेगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं। तो हमें नकारात्मक विचारों से भी बचना है, और जब भी मन में अलग अलग विचार आए, मतलब जो विषय है उससे हट के, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। और अपना ये तभी होता है जब हमारा टाइम टेबल बहुत सुंदर, टाइम को मन का भी हमारा टाइम टेबल होना चाहिए कि मन को मुझे सारा दिन कैसे चलाना है। कई बार जो है ना, मन का टाइम टेबल नहीं होता है, मन कैसे भी चलता है, वाणी द्वारा कुछ भी मुख से निकलता है, लेकिन अगर हमारे पास कोई वेल प्लान्ड टाइम टेबल हो तो हमारी थिंकिंग जो है, स्पीच जो है, एक्शन जो है, यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं। तो हमें जो भी काम करना है उनकी सूची बना लें, उसके अनुसार हमें क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए उसके लिए, ये भी हम सब इकट्ठा करें। और एक चीज का विशेष मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए, कभी भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि माई कंसंट्रेशन पावर इज वेरी वीक, मेरा मन एकाग्र नहीं होता। ये बार बार कहोगे तो ये रीइन्फोर्स हो जाएगा और फिर सच में एकाग्र नहीं होगा। तो ऐसी नेगेटिव स्पीच नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव टॉक नहीं करनी चाहिए कि मेरा मन तो एकाग्र ही नहीं होता। आप रोज रोज कहोगे तो कभी नहीं होगा। और इसके लिए हम मल्टीटास्किंग से भी बचें। कई लोगों की आदत होती है एक ही समय कई बखेड़े बखेर लेते हैं, ये भी काम वो भी काम, और बुद्धि फिर भटक जाती, मन एकाग्र नहीं होता। तो ऐसे लोग जिनका मन एकाग्र नहीं होता उनको मल्टी टास्किंग से बचना चाहिए।
कई लोग ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली जीनियस जो एट ए टाइम भी कई काम कर लेते हैं। लाला हरदयाल के बारे में बताते हैं, जो कई काम एट ए टाइम कर लेते थे, बोलते थे उनको लाला हरदयाल MA। तो वो मल्टीटास्किंग कर सकते थे, लेडीज भी कर लेती हैं कई, लेकिन फिर भी जो एक विद्यार्थी है जिसने मान लो IAS का एग्जाम देना है, तो उसको मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए, वन एट ए टाइम अपना इस ढंग से टाइम टेबल बनाना चाहिए। और हमेशा हमें अपना जो हमारा लक्ष्य बिंदु है, अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा, तो हमारा भी फोकस वैसा रहना चाहिए और उस पे लक्ष्य पे पूर्ण ध्यान होना चाहिए। समग्र समग्र दृष्टि, समग्र ध्यान लक्ष्य पे हो, और बीच में हम पुरानी बातों को ना लाए। कई लोग पुरानी बातों को भी बहुत ढोते हैं। भगवान कहते हैं पास्ट इज पास्ट, जो बीत गई वो बात गई, वहां से लर्न करो, आगे बढ़ जाओ। जो लोग पास्ट को कुरेदते रहते हैं, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ ये हो गया, वो उसी को कुरेदते रहते हैं, पिछले पास्ट को, तो उनका मन भी एकाग्र नहीं होता। क्यों? नेगेटिव थिंकिंग चलती है। तो अपने प्रेजेंट को हमें अच्छे से अच्छा करना चाहिए। व्यर्थ देखने का भी एक सुख होता है। लोग जो हैं अब आजकल मोबाइल पकड़ के बैठे हुए, तो कोई प्लानिंग नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, ऐसे ही दिन निकल जा रहा है। एक बार मोबाइल हाथ में पकड़ा नहीं, कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, कभी और जो कुछ भी, आजकल तो पता नहीं क्या क्या और चल पड़ा है। तो हमें जो व्यर्थ का देखना है, क्योंकि तो देखने से भी अंदर इम्प्रेशंस बहुत स्ट्रांग पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा के जो निकट है आंखें, आंखें सबसे निकट है, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्योंकि तो जो छोटे बच्चे हैं उनके पास तो फिल्टरिंग मैकेनिज्म भी नहीं है। बच्चे तो ये फिल्टर भी नहीं कर पाते कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। और विद्यार्थी के लिए यह भी जरूरी है कि उसका जो आहार है वो भी संतुलित। अगर हम चाहते हैं कि एकाग्रता हासिल करनी, अगर बॉडी डेफिशिएंट सिम्टम्स वाली है, अगर आप में किसी विटामिन की, मिनरल की बॉडी में कमी है, संतुलित आहार नहीं है, या ब्रेन में किसी केमिकल की कमी है, तो भूलना शुरू हो जाते हैं बच्चे। तो जरूरी पोषक तत्व जिनमें हो, ऐसा हमें भोजन करना चाहिए, और आलस से बचना चाहिए। आलस और अलबेलापन बाबा कहता है विद्यार्थी के लिए घातक, योगी के लिए घातक है। इसलिए जो भी भोजन जिसमें मिनरल, विटामिन, ये हम जो डाइटिशियंस हैं वो बता सकते हैं, आजकल नेट पर भी पता लगता है, देख सकते हैं। अल्कलाइन फूड ज्यादा लें हम, एसिडिक फूड ज्यादा ना लें। तो अगर हम ऐसा करेंगे, आहार अच्छा रखेंगे जिसमें विटामिन मिनरल हो, विटामिन ई की भी कहते हैं जरूरत है, के की भी जरूरत है, तो उसमें किस किस चीज में पाए जाते हैं, तो एक संतुलित आहार विद्यार्थी को लेना चाहिए, ताकि उसका मन जो है एकाग्र। और सबसे बड़ी जरूरत है कि हम कभी पोस्टपोन ना करें, टाल मटोल ना करें। कईयों में टाल मटोल की आदत बहुत होती है, आज का काम कल पे, कल का परसों पे, इसको प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं, दीर्घ सूत्री भी कहते हैं, कि आप टालते रहो टालते रहो, फिर पाइल अप हो जाता है वर्क। कईयों के दफ्तर में आप जाओ, वो बड़ी फाइलें पूरी टेबल भरी पड़ी होती, कईयों की टेबल खाली होती, क्यों? वो रोज का रोज निपटा देते। तो जिनका पाइल अप हो जाएगा, उसका मन एकाग्र कैसे होगा? एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो दुखी होते रहेंगे, टेंस हो जाएंगे, वो टेंशन होगी तो क्या एकाग्र हो पाएंगे? इसलिए टाल मटोल की आदत हमें छोड़नी है। और जो भी हमारे हैवी वर्क हैं, मोस्ट अर्जेंट हैं, उनको हमें टॉप प्रायोरिटी पे कर लेना चाहिए और करके ही उठना चाहिए, तो कितना सुकून मिलेगा, मन फिर अपने आप एकाग्र होता है,
जिनके काम पेंडिंग पड़े होते हैं उनको मन एकाग्र नहीं हो सकता। तो हमें सकारात्मक भी होना होगा। अगर आप ध्यान आपका लगेगा तभी काम पे भी ध्यान केंद्रित तभी होगा, भगवान पे भी ध्यान केंद्रित तभी होगा जब हम सकारात्मक होंगे। जो नकारात्मक चिंतन है, व्यर्थ चिंतन है, लो चिंतन है, घटिया चिंतन है, वो हमें कभी भी मन को एकाग्र नहीं होने देते। तो हम लोग रोज सत्संग क्यों करते हैं, सत्संगी का मन क्यों एकाग्र होने लगता है? क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स हैं। पॉजिटिव थॉट्स से मन एकाग्र होता है और नेगेटिव थॉट्स से मन एकाग्र नहीं होता। तो एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है तो हमें जो है सकारात्मक रहना होगा। और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन होना चाहिए फुल ऑफ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन का हमारा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जितने भी इफेक्टिव लीडर्स हुए हैं उनका सुबह से लेके रात्रि सोने तक का बड़ा अनुशासित, जैसे एक फौजी होते हैं ना, उनका बड़ा अनुशासन का दिनचर्या होती है। हमें भी बड़ी अनुशासन की दिनचर्या बनानी चाहिए। छोटे काम करें, शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करें, फिर लॉन्ग टर्म को करें। कई लोग जो है ना, ये सोच के ही उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि मेरा प्रोजेक्ट बड़ा है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, थोड़ा थोड़ा रोज करके बड़ी मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। और ये बड़ा जरूरी है। मान लो आपको कोई काम करना है, इसका हम उदाहरण दूसरा ले सकते हैं। मान लो किसी के घर में शादी है, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें उसकी पूरी जरूरी चीजों की क्या क्या व्यवस्था करनी है। अगर वो आप टाइमली कर लेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा। लेकिन मान लो आपने वो व्यवस्था नहीं की, टाइम पे काम नहीं किया, जरूरी चीजें इकट्ठी नहीं की टाइमली, तो क्या होगा? अंत में मन भटकेगा, ओहो ये रह गया, वो रह गया। तो माइन्यूटेस्ट डिटेल्स वी नीड टू वर्क आउट। मन को अगर एकाग्र करना है तो छोटी छोटी ब्रीक से ब्रीक बात के ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए, और क्या क्या चाहिए उसका तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो फिर हमारा मन एकाग्र होता है, नहीं तो फिर भटकाव होता रहेगा, मन स्थिर नहीं होगा। स्थिर नहीं होगा तो हमारे भीतर एक बेचैनी बने रहेगी। और अगर हम चाहते हैं हमारा ध्यान केंद्रित हो, मन फोकस्ड हो, तो बीच बीच में जैसे हम रोज करवाते हैं, एक घंटे बाद, दो घंटे बाद अपने श्वास पे ध्यान लगाओ। मन को अपने श्वासों को आते जाते देखें, साक्षी होना सीखें, और उस वक्त विड्रा करके अपने काम से थोड़ी देर के लिए परमात्मा का चिंतन करें, आत्म चिंतन करें, परमात्म चिंतन करें। और बीच बीच में अपने मन की भी चेकिंग करें, क्योंकि हम जब काम में खो जाते हैं तो कई बार साक्षी नहीं रह पाते, टोटली हम काम में खो जाते हैं। तो बीच में हमें थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, बाबा कहते हैं ना, ड्रिल करो, अपने आत्म बिंदु में हम स्थित हो जाएं, कभी सूक्ष्म वतन, कभी मूल वतन में चले जाएं। तो ऐसा करने से अपना मन, उसको एकाग्र करने की आदत हो जाती। और कई महात्मा तो ये भी कहते हैं कि आप एकांत में बैठ के अगर अपने दिल की धड़कन सुने 5 मिनट 10 मिनट, तो भी धीरे धीरे मन जो है ठहरने लग जाता है। तो ये हमें देखना है। और ये बहुत जरूरी है कि हम जो आजकल इंटरनेट, टीवी, जो व्यर्थ देखना है, व्यर्थ सुनना है, व्यर्थ बोलना है और अनावश्यक सोचना है, अगर इसके ऊपर हम नियंत्रण कर लें तो कुछ वैज्ञानिकों ने स्टडी की है कि अपनी एकाग्रता को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। किसी किसी दिन हमें डिजिटल रेस्ट लेना चाहिए, एक दिन पूरा या आधा दिन
भी हम बिल्कुल जो है कोई भी डिजिटल साधन यूज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक साधन यूज नहीं करेंगे, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और उस दिन हम अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाएं, अपने सेल्फ पे केंद्रित करें, मन पे केंद्रित करें, परमात्मा पर केंद्रित करें, सुविचारों पर मन को एक केंद्रित करें। और ऐसा भी कहते हैं कई बार कि हम स्वमान का अभ्यास करें, भगवान ने हमें बहुत स्वमान दिए, उसका अभ्यास करें कि मैं महान आत्मा हूं, मुझे छोटे मोटे काम नहीं करने, घटिया काम नहीं करने, मुझे महान काम करने हैं, रॉयल काम करने, मैं पवित्र आत्मा हूं, मुझे पवित्र, मैं सुखदेव हूं, सुखदेवी हूं, मुझे सबको सुख देना है, और मैं एकाग्र चित्त आत्मा हूं। ये नहीं कहना मेरा मन एकाग्र नहीं होता, बार बार ये व्यर्थ चिंतन भी नहीं करना है कि मेरा मन एकाग्र नहीं होता। तो अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे, इंटरनेट टीवी व्यर्थ देखना, एक दिन मौन मन का भी रखें और इंद्रियों का व्रत रखें कि हम अपने आंखों को, कानों को, मुख को रेस्ट देंगे, तो भी एकाग्रता कहते बढ़ने लगती है। और कई बार हम अपने स्वमान को लिख सकते हैं, जैसे बाबा कहते हैं कई बार कि बच्चे तुम, मैं सर्वशक्तिवान हूं, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। अगर हम ऐसे स्वमान को लिखें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एकाग्रचित आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, इस तरह के अगर स्वमान होंगे हमारे, मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये भाव होंगे, तो भी हमारा मन जो है धीरे धीरे एकाग्रता में बढ़ जाएगा। और हम परमात्मा जो सर्वशक्तियों का सागर है, जो दाता है, हम उसे जाने पहचाने, उससे अपना कनेक्शन जोड़ें, धीरे धीरे जो कनेक्शन जोड़ेंगे, कनेक्शन जुड़ेगा एक दिन, उसकी शक्तियां हमारे भीतर आएंगी, मन शांत हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा, और जो मानसिक डिस्टर्बेंस है हमारे भीतर, वो धीरे धीरे जो है खत्म हो जाएगी। तो आपने देखा भी होगा वैज्ञानिक रिसर्च क्यों कर पाते हैं, ये एक प्रश्न है, क्योंकि वो चारों तरफ से कट ऑफ होके अपनी लेबोरेटरी के अंदर बैठ के वैज्ञानिक लोग, और जो विषय है उसके ऊपर मन को एकाग्र करके एक निरंतर परसिस्टेंट एफर्ट करते हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं उस दिशा में, तो फिर वो जो है उनका मन भी एकाग्र होता है, और एकाग्रता से उनकी सिद्धि भी होती है। और जो ऐसे रहस्य जो अभी हमने नहीं जाने, कुछ डिस्कवरीज, कुछ इन्वेंशंस, ये कब कर आते हैं वैज्ञानिक, जब जो है अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं। तो इसलिए निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि सोच का बहुत बड़ा असर है, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही मैं बन जाता हूँ, मुझे नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, हमें उत्तम जीवन जीना है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने आया हूँ, तो श्रेष्ठ विचार रखने, विचारों के सदुपयोग से मनुष्य विजयी हो सकता है, हजारों आविष्कार अच्छे विचारों का ही परिणाम है। मन को एकाग्र, जितना आप पॉजिटिव थिंकिंग होगी, मन एकाग्र होगा, सकारात्मक होगा, तो हमें अपने मन को सकारात्मक रखना है, तो अच्छे अच्छे आविष्कार होंगे, और मन में ना आनंद का भाव रखना है। कई लोग ना टेंस रहते हैं, शांत नहीं रहते, उनका मन हर वक्त उदास, पता नहीं क्या चिंता लगी हुई है, क्या फिक्र है, क्या गम है। कहते हो एक टिटीरी पक्षी है ना, वो जब रात को सोता है तो टांगे आसमान की तरफ करके सोता है, इसलिए कहते है कहीं रात को आसमान ना गिर जाए, इसलिए। इसी तरह कई लोग जो है ना मुफ्त के ठेकेदार बनते हैं, वो फिर उदासीन रहते हैं, तो हमें ऐसा नहीं बनना है। तो अभी हम जो है अपना जो मुरली के पॉइंट्स हैं आज हम टाइप नहीं कर पाए,
क्योंकि घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो मैं नोटबुक से ही आपको सुनाता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी चर्चा करेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ में आगे जाने के लिए शिव पिता पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। भक्ति मार्ग में तो काशी के अंदर शिव के ऊपर लोग बलि चढ़ते थे, जिसको काशी करवट कहा है। मीरा ने भी उसका जिक्र किया। एक कुएं के अंदर आरा लगा था, लोग अंतिम समय में जाके कुछ भक्त लोग उस पे गिरते थे, वो कट के मर जाते थे। इस ढंग की कोई व्यवस्था थी, मैंने देखा है। वो कुआ बंद कर दिया था अंग्रेजों ने, तो बलि चढ़ते थे, लेकिन वो बलि भगवान ये बलि नहीं मांगता है, बलि मांगता है हमारे अहंकार की, जो हमारी मैं है ना, उसकी बलि मांगता है। तो भगवान पे पूरा पूरा बलि चढ़ना अर्थात कुर्बान जाना है। गीत भी है ना, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। यदि हम परमपिता परमात्मा पर तन मन धन से कुर्बान जाएंगे, तो परमपिता परमात्मा भी अपने संपूर्ण वर्षे के साथ हम बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। जैसे बच्चे माँ बाप पे कुर्बान जाते हैं, तो माँ बाप बच्चों पे कुर्बान जाते हैं। विश्वनाथ शिव के बच्चे विश्व के मालिक बन जाते हैं। परमात्मा कौन है? विश्वनाथ, सारे विश्व का नाथ है, तो उसके बच्चे भी तो विश्व के नाथ होंगे ना। तो गरीब बच्चे ही गरीब निवास पर बलि चढ़ते हैं। जो बहुत अमीर लोग हैं ना, वो ड्रामा ज्यादा करते हैं, भगवान को याद उतना दिल से नहीं करते। कोई विरले होते हैं जो, जिनको अमीरी का नशा दिमाग में नहीं चढ़ता है, सूक्ष्म अहंकार तो आ ही जाता है, फिर उनके पास फुर्सत भी नहीं होती, इतने बिजी होते हैं, क्योंकि 99 के चक्कर में होते हैं। तो भगवान पे बलि कौन चढ़ते हैं? सुदामा जैसे, भीलनी जैसे। तो गरीब निवास परमपिता परमात्मा भी गरीब बच्चों पर ही फिर बलि चढ़ते हैं। योग युक्त आत्मा की निशानी क्या है? जो हम परमात्मा से जुड़ गया, कनेक्ट हुए, योगी है, तपस्वी, उसकी निशानी क्या है? वो बंधन मुक्त हो जाएगा। जो योग युक्त है वो बंधन मुक्त हो जाएगा। योग युक्त बनने में अंतिम बंधन कौन सा है? स्वयं को बहुत समझदार समझ, कहीं तो भगवान को भी राय देने लगते हैं। स्वयं को समझदार समझ के जो भगवान की श्रीमत है, उसमें भी अपने मन जो मनमत है, बुद्धि की मत है, वो उसमें डाल देते हैं। अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। सबसे बड़ा रोड़ा है बुद्धि का अभिमान, जो परमात्मा से मिलने नहीं देता। जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है, जैसे हमें कोई बताए ये तुम्हारे भीतर कमजोरी है, अथवा हमारी बुराई बताए, यदि उस समय जरा भी हमारा व्यर्थ संकल्प चलता है, तो बंधन है। अभी अहंकार मरा नहीं है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत, निंदा स्तुति, मान अपमान, लाभ हानि सब में समान हो जाएंगे, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। तो ये देख लो कितनी साधना है। योग युक्त ही बंधन मुक्त होगा। तो हम सब बंधन में फंसे हैं। बाबा ने कहा ना, कौन सा है सबसे बड़ा बंधन? बुद्धि का अहंकार। आप किसी से बात करो, हाँ 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 मैं जानता हूं, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, ये जो कहते हैं ना, मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, वास्तव में इस दुनिया में हम बहुत थोड़ा सा जानते, कोई भी जानता नहीं। हम एक पत्ता ले लेना किसी वृक्ष का, सारी जिंदगी उसका विश्लेषण नहीं कर सकते कि ये क्या है।
एक फूल ले ले सारी जिंदगी विश्लेषण नहीं कर सकती। ये क्या है, इतनी डायमेंशन है सत्य की। तो इसलिए ये मिथ्या अहंकार बुद्धि का, बाबा कहते हैं जिसमें ये है वो मुझे मिल नहीं सकता। तो बलि कौन सी चढ़नी चाहिए, मैंपन की, मैं अहंकार की। जो आत्माएं योग द्वारा अनासक्त भाव में स्थित हो जाती हैं, डिटैच हो जाती हैं, वो बैठे बैठे अचानक शरीर छोड़ देती हैं, पता ही नहीं लगता। कई बार सत्संग करते करते कई शरीर छोड़ देते हैं, जैसे ध्यान में बैठे बैठे चले जाते हैं वैसे तुम बैठे बैठे ये शरीर छोड़ देंगे। शरीर छोड़ने समय अंदर एक पता लग जाएगी, महसूसता होगी, दिव्य अनुभूति होगी, बस अब चलना है, अंदर महसूसता आ जाएगी बस। हमने कई लोगों को देखा वो पहले ही कहना शुरू कर देते हैं बस टाइम निकट है, अंदर उनके एहसास आभास होने लगते। एक व्यक्ति को हम जानते हैं, उसको पता लग गया मैं जाने वाला हूं, तो हफ्ता 10 दिन पहले सारे रिश्तेदारों में घूम के आया, थोड़ा थोड़ा हिंट सबको दिया है कि हमारी तो अब तैयारी है, और जब सबसे मिल के आया 2 दिन बाद घर आके शरीर छोड़ दिया। बाबा कहते हैं कि जो अच्छी आत्माएं सज्जन आत्माएं होती कई, उनको अंदर से अनुभूति होती कि अब जाना है, खुशी खुशी शरीर छोड़ दे। बाबा कहते हैं शुरू में भी बहुत साक्षात्कार हुए, डिवाइन एक्सपीरियंसेस ब्रह्मा बाबा को हुए, ब्राह्मणों को हुए, बच्चों को हुए, बहनों को हुए, वैसे अंत में भी बहुत साक्षात्कार डिवाइन विजन होंगे। इस रूहानी राह पर माया के विघ्न बहुत आएंगे, मायावी शक्तियों के, रावण के, मेघनाथ के, कुंभकर्ण के, दुर्योधन दुशासन कंस के, पूतना के, आई समझे, शूर्पनखा के, इस टाइप के बहुत जो है, सुरसा के, लंकिनी के, डाकिनी के बहुत आएंगे विघ्न। लेकिन बाबा कहता है घबराना नहीं, डरना नहीं है, अमृत वेले उठ के बैठेंगे। तो माया कैसे वार करती है, या तो आप बैठेंगे थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी, आप सोचोगे आज योग बड़ा अच्छा लगा, सो गए थे वास्तव में। कई कहते हैं ना भी बैठ के सोना योग है, लेट के सोना सोना है, ऐसा योग मत लगाना, तो बैठ के सोए रहो को आज योग बड़ा अच्छा लगा। उसमें डिवाइन एक्सपीरियंसेस करने हमें अलर्ट होके बैठना है, सोने के लिए नहीं बैठना है, क्योंकि परमात्म रस मिलेगा तो नींद नहीं आएगी। 2 मिनट भी शिव बाबा की याद ठहरती नहीं। कई बच्चों को बाबा ने कितनी बड़ी बात कही, कोई कहते मैं 1 घंटा बैठा, 45 मिनट बैठा, बाबा कहता है 2 मिनट भी बुद्धि तो टिकी नहीं। बुद्धि जो है टिकनी चाहिए बाबा कहते हैं, पर फिर भी कभी थकना नहीं है, फिर बैठो फिर बैठो फिर बैठो, एक दिन रस बैठ जाएगा, आपको रस आने लगेगा, मेडिटेशन को बड़ा आनंद आएगा, फिर आप उसके बिना रह नहीं सकेंगे। और ये तब होगा जब पवित्रता हमारे मन वाणी कर्म में हम ज्यादा से ज्यादा धारण करेंगे, पवित्रता का व्रत लेंगे। जो बच्चे ज्ञान के संस्कार लेके जाते हैं तो छोटेपन में ही इस तरफ खींच होगी, अगला जन्म जब लेते हैं उनकी फिर खींच होती है। मान लो बाबा ने कई बच्चे जो शुरू में यज्ञ में आए कई शरीर छोड़ गए, तो बाबा कहते हैं वो दोबारा भी फिर ज्ञान में आ जाते हैं। ऐसे ही कई सन्यासी होते हैं, उन्होंने शास्त्रों के संस्कार होते हैं, खूब शास्त्र पढ़े होते हैं, अगले जन्म में बाल्यकाल में ही शास्त्र उनको कंठस्थ हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमने देखे 9 साल के बच्चे जिनको सारी गीता कंठस्थ है, 700 श्लोक, तो उन्होंने पूर्व जन्मों में कोई शास्त्रीय साधना की होती है, तो अभी भी सहज भाव से जो बच्चे बुद्धि से तीक्ष्ण होकर पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं, अगले जन्म में भी कईयों की बुद्धि बहुत अच्छी चलती है। तो बाबा कहते हैं
ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है, योग की यात्रा चलती रहती। श्रीमद् भगवत गीता में भी है कि जो योग भ्रष्ट होते हैं, मान लो इस परमार्थ में गिर गए इस जन्म में, अगला जन्म होगा तो फिर आगे परमार्थ में आगे बढ़ेंगे, वहीं से यात्रा फिर शुरू करेंगे। तो कंटिन्यूटी ऑफ साधना इज देयर, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज देयर। अंत में नेक आत्माएं कहेंगी अहो प्रभु तेरी लीला परंपार, हमारी समझ से बाहर, क्योंकि अभी भी लोगों को लीला भगवान की समझ में नहीं आ रही है। अंत में तो कहेंगे जब विनाश का समय होगा, फिर क्या कहेंगे, आप आए और हम आपको समझ नहीं पाए, आपका एक्ट समझ नहीं पाए, आपकी लीला आपका चरित्र समझ नहीं पाए कि ये दुनिया में क्या हो रहा है। हम समझ ही नहीं सके कि निराकार आकर साकार माध्यम द्वारा ज्ञान कैसे देते हैं जिससे सदगति होती है। ये अंत में रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। कई कलयुग में 5 तत्व तमो प्रधान हो जाते हैं, सतयुग में सतो प्रधान होते हैं। जो तमो प्रधान तत्व हैं वो उपद्रव करते हैं, इसलिए बाढ़ आ जाती है, नदियां अपना पाट छोड़ देती हैं, तूफान आते हैं, सुनामी आती है, बड़े बड़े तूफान आते हैं। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होता, सतयुग में 5 तत्व अपनी मर्यादा में रहते हैं, नदियां अपनी मर्यादाएं में रहती हैं। सतो प्रधान तत्व जो है सुख देते हैं, तमो प्रधान तत्व दुख देते हैं। ये दुनिया अब कांटों का जंगल बन गया है, फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। सभी एक दूसरे को कांटे चुभोते रहते हैं, विकारों के, क्रोध के कारण कितने झगड़े होते हैं, काम के कारण, क्रोध के कारण कई युद्ध जो है संसार में वो काम वासना के कारण हुए, कई क्रोध के कारण हुए, अहंकार के कारण तो सब हैं ही। बाबा कहते हैं बच्चे 5 विकारों का दान दे दो, तो आत्मा पर जो ग्रहण लगा है, एक्लिप्स सोल है, जो ग्रहण लगा है वो छूट जाएगा। देह अभिमान छोड़कर बंदर से मंदिर लायक बनना है। अभी जो है सूरत मनुष्य की है, सीरत बंदर की है। भगवान कहते हैं तुम्हारी सीरत जो बंदर जैसी होगी, उसे मैं मंदिर जैसी बनाने के लिए आया हूँ, मंदिर लायक बनाने के लिए आया। आज का स्लोगन पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी आत्मा का गुण है। सोच समझ के कर्म करना तभी ज्ञानी कहेंगे। अगर आपने सोचा नहीं, प्रॉपर थिंकिंग प्रॉपर नहीं की, ज्ञान के अनुसार नहीं की, तो बाद में पछताना पड़ता है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप जुड़ते हैं तो इस बहाने सत्संग हो जाता है, और कलयुग में तो सतयुग सत्संग मिल जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे पुण्य कर्म उदय होते हैं तब ही मन सत्संग की तरफ लगता है, नहीं तो दुनिया में जो है ना 1000 जगह जाने की हैं, पैर जो हैं कहीं भी जा सकते हैं। वो बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं होती जिनके पांव सत्संग की ओर मुड़ते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रोज जुड़ते हैं। वीरमानी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और भी जो भी आत्माएं जुड़ी हुई हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ओम शांति, गॉड ब्लेस यू ऑल। साकार मुरली जो है सुबह रोज होती है 7:30 बजे के आसपास। आप सब से निवेदन है कि अगर आप मुरली सुनना चाहते हैं, भगवान के महावाक्य डिटेल में सुनना चाहते हैं, तो सुबह जो है 7:30 बजे हम लिंक भेजते हैं रोज, जरूर जुड़े, उसका भी लाभ उठाएं। अच्छा, ओम शांति। सभी अब मिलके करेंगे, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल।